तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। काफ़ी दिनों बाद मैं अपने हाथों में कैमरा पकड़ रहा हूँ, तो कुछ लग रहा है कि हाँ यार, बहुत दिनों से, कितने दिन मैं बैठा हुआ था। क्योंकि एक्चुअली मेरी जो ट्रिप चल रही थी अंडमान, आप लोगों ने देखी ही होगा, अंडमान वाली ट्रिप को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही सराहा भी, काफ़ी प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग आए हुए हैं कानपुर एयरपोर्ट में, जो कि नया टर्मिनल यहाँ पे बन रहा है। मैंने सोचा देखते हैं, मैं भी अपना देख के आता हूँ यहाँ पे कैसे क्या बन रहा है, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि कानपुर का नाम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो तो ये सब पार्किंग वगैरह है यहाँ पे, गाड़ी वगैरह, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से बनाया हुआ है कि यहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क होंगी। तो बाकी और सारी चीज़ें जो है मैं अभी आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। तो ये देखो, कुछ इस तरीके से फ्रंट से दिखता है ये कानपुर का न्यू टर्मिनल जो है। पीछे जस्ट गंगा नदी भी है, तो एकदम खूबसूरत सी लोकेशन पे ये बना हुआ है, काफ़ी बड़ा भी है। मुझे आने में यहाँ पे काफ़ी समय लगा है, क्योंकि जो पुराना वहाँ पर जो बना हुआ है थोड़ा सा बाहर रोड साइड, वहाँ से यहाँ आने में काफ़ी दिक्कत हुई मुझे। तो फिलहाल अभी ये रोड बनी नहीं है, रोड देखते हैं, कुछ ना कुछ तो अब अथॉरिटी ने बनाया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा रखेंगे ही। नहीं तो जितना ये मुझे 4 किलोमीटर का टर्न लेके आना पड़ा, ये तो खैर दिक्कत की चीज़ थी। तो देखते हैं क्या है, नई रोड वगैरह जो भी बनेगी तो वो तो फिर आगे फ्यूचर में पता ही चली जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं अंदर, देखते हैं जो भी दिखा पाएंगे आपको कि हाँ कैसे क्या है, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। देख लो, फाउंटेन की पूरी तैयारी हो चुकी है, यहाँ पे फाउंटेन लगेगा, गार्डनिंग वगैरह भी अच्छे से हो रखी है। ये लाइट है ना, ये लाइट में हमें लग रहा है यहाँ पे शायद बत्ती इतनी जलेगी ना। खैर विशाल को देख लो, 8-10 वीडियो के बाद आ पाया है ये भी। मेरा जो अनवान ट्रिप थी वही चले जा रही थी, तो इस वजह से ये आ नहीं पाया काफ़ी दिनों बाद। और यहाँ पर ये, यहाँ पर हमारे देश का झंडा जो है लहराएगा, जिस तरीके से पोस्चर देख के लग रहा है। यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग करने वाला, लोग देख रहे, पता नहीं ये क्या ही लड़का कर रहा है। देखो सब इधर उधर से मुझे ही देख रहे हैं, पता नहीं क्या लड़का कर रहा है। अब मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग करना, इसलिए मैं करता हूँ। कुछ टाइल्स वाइल्स आए हैं, क्या है हुआ है देखते हैं। हाँ फाइबर आया, अच्छा हाँ, ये जो फाइबर लग रही ना वही, वो फाइबर आया हुआ है, वही लगाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ से इतना छोटा सा लग रहा है, वहाँ इतना बड़ा लग रहा है। चलो अंदर चलते हैं। तो देख लो ये है ड्रॉप एरिया, जो जैसे आप कार वगैरह से या किसी कैब वगैरह से या जैसे भी आते हो तो आपको यहीं पर ही ड्रॉप किया जाएगा। बाकी ये देख लो आप, अराइवल डिपार्चर गेट्स हैं, अभी तो फिलहाल कुछ लगा नहीं है, बस देखने में लग रहा है कि हाँ यही गेट्स हैं। चलो अंदर भी चलते हैं, काम वाम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो ये हम लोग न्यू टर्मिनल में एंट्री लेते हुए, हाँ ये सेंसर वाले गेट हैं, अभी तो फिलहाल सेंसर बंद है, सब काम वाम चल रहा है। यार मुझे कोलकाता एयरपोर्ट की याद आ रही है, मैं कोलकाता एयरपोर्ट पोर्ट बेयर जा रहा था तब ऐसा ही एकदम फील आ रही थी। क्या रिजर्व्ड लाउंज, अच्छा यार ये सब चीज़ें लिख गई हैं। देखो ये क्या है, जेंट्स टॉयलेट वगैरह है, ये ड्रिंकिंग वाटर सब है, यहाँ पे आप वेट एड कर सकते हो। 300 लोगों को बैठने की कैपेसिटी है इसके अंदर। ये देखो क्लोक रूम, अगर आप अपना सामान वहाँ रखना चाहते हो रख सकते हो। कंट्रोल रूम है यहाँ पे। एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद तो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बाहर से काफ़ी बड़ा लग रहा था। ये देख लो सामने बेल्ट, ये वही बेल्ट है ना, जब देखते हम लोग ये बैगेज हम लोगों का चेक इन हो गया है उसके बाद, जब हम लोग फ्लाइट से आ जाने के बाद, तो इसी बेल्ट में आता है ये बेल्ट वगैरह। सब पूरा सेटअप बना रहे हैं भैया लोग, काम वाम कर रहे हैं। तो दो बनी है, एक ये है एक ये है। और विशाल तुम क्या देख रहे हो, तुमको भी वहाँ काम करना है क्या, काम करना चाहोगे? यार देख रहे हो सब बन रहा है, अभी कैसा लग रहा है, जब बन जाए तब कितना ज़बरदस्त लगेगा, है कि नहीं। ये है बैक साइड भी कह सकते हैं, फ्रंट साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पे ही रनवे वनवे बनने का कुछ काम चल रहा है। उधर भी चलते हैं और आगे देखते हैं, जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे। ये देख लो गाइस, ये जो चेक इन एरिया नहीं होता है वही है यहाँ पे, ये बना हुआ है। फ्लाइट वगैरह की सब देखो, स्क्रीन वगैरह मतलब पैनल लग गया है, इसी में टीवी स्क्रीन लगेगी सब मस्त। और दो ज़्यादा तो अपने यहाँ से वैसे फ्लाइट है नहीं, वही है इंडिगो की है और मे बी स्पाइस जेट की है, एयर इंडिया की शायद एक दो होती हैं, तो वही उन्हीं दोनों के ही हिसाब से दिख रहा है, ज़्यादा नहीं है। गाइज अभी तो यहाँ बड़े आसानी से घूम पा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ जल्दी से ही फ्लाइट लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2-4 जगह के लिए ही फ्लाइट्स हैं। अब अगर फ्यूचर में अगर ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे अभी यहाँ पर सिर्फ अभी यहाँ पर सिर्फ बेंगलोर और मुंबई के लिए ही फ़्लाइट मिलती हैं, तो अब देखते हैं अगर फ्यूचर में बढ़ेंगी तो ही चांसेस हैं यहाँ से फ्लाइट लेने के। या तो अगर हम लोगों को कहीं जाना है
तो लखनऊ जाना पड़ेगा या तो दिल्ली वगैरह जाना पड़ेगा। वैसे मैंने इन्हीं दो जगह से लिया, एक कोलकाता हो गया अपना, तो देखते हैं कब यहाँ पे दोबारा आने का मौका मिलेगा। विशाल तुम कितना एक्साइटेड हो यहाँ से फ्लाइट लेने के लिए? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। विशाल कह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ से फ्लाइट लेने के लिए, लेकिन जाएंगे कहाँ ये तो कुछ पता चले? लखनऊ लखनऊ जाएंगे हम लोग, सब जाते हैं दूर, हम लोग जाएंगे लखनऊ, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। टिकट मिलेगी? बिल्कुल ऑनलाइन बुक कर देंगे। नहीं इतने कम दूरी के लिए मिलेगी और क्या? देखो अगर ट्रेन की टिकट मिलती है, अगर मिलेगी तो जरूर जाएंगे। पहले बन के तैयार तो हो गया। तो चलो बस इतना ही था, जल्दी से चलते हैं, आगे कुछ दिखाने के लिए रहता है तो आपको दिखाते हैं। गाइस ये वाला एरिया है ड्रॉप एंड गो वाला, वो वाला एरिया नहीं, मैंने बताया था ना ये वाला एरिया, देखो यहाँ लिखा हुआ है आराम से, तो ये है ड्रॉप एंड गो, यहीं से अपना कैब वगैरह जो आएगी आएगी, यहाँ से सीधे निकल जाओ बाहर। तो मस्त एयरपोर्ट से निकलने के बाद हम लोग आ गए, देख लो ये खस्ता खाने के लिए, खस्ता खाएंगे, विशाल का भी मन था मेरा भी मन था, तो अभी खस्ता खाने के लिए रुके हुए हैं। वैसे यहाँ के देख लो काफ़ी फेमस है खस्ते, देख लो यहाँ भीड़ कितनी लगती है। गोविंद नगर में है गोविंद नगर, ये गोविंद नगर के रास्ता जा रही है, बस रास्ते में ही है, चलो खा लेते हैं फिर ही घर चलते हैं। तो यार खाना पीना होने के बाद सीधे हम लोग आ गए घर, तो हाँ काफ़ी अच्छा लगा नया एयरपोर्ट टर्मिनल देख करके, होप करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा ही होगा। जैसा भी लगा होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना हम लोगों को। और वैसे सच में काम तो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से चल रहा है, जल्दी ही ख़त्म करना है पूरा काम। हाँ मैं जानता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया है, छोटा सा ही वीडियो था, लेकिन अब जो चीज़ दिखाने का है वही चीज़ मैंने दिखाया, ज़्यादा कि मैं क्या ही लंबा करूँ वीडियो को, मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो आप लोगों को समझ में आ जाए, बस वीडियो बड़ा हो छोटा हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो बस हाँ इतना ही था आज के ब्लॉग में, चलो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।